इंटरनेशनल इवेंट्स देखने में जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, इतने स्ट्रेट वो नहीं होते। हर एक घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई प्लेयर होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और ये गेम सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो खुद प्लेयर होते हैं। अब मैं आपको पिछले 2 साल के घटनाक्रम की तरफ लेके जा रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि ये जो कोविड का चक्र जिसमें इंडिया फंसा हुआ है, इसका ओरिजिन कहां से है और कैसे है। क्रम किस प्रकार से रहा है? पहली बात, जब कोरोना की पहली वेव आई तो सबसे पूछते रहे कौन हिट हुआ। यूएसए हिट हुआ। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ट्रंप ने जो अपना इलेक्शन लूज किया है वो उस कोविड-19 की वजह से किया है, जिसमें अमेरिका में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, इकोनॉमी हिट हुई। उसके बाद आप देखिए उस घटनाक्रम का अगला सीक्वेंस क्या है कि इंडिया में कोविड आया, बाकी वर्ल्ड में भी आया, लेकिन साथ में कोविड के साथ साथ चाइना भी आकर हमारे बॉर्डर पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि इंडिया उस टाइम पे कमजोर है, उसके पास एक रेजिलेंस रिजोल्व नहीं होगी। ऑब्वियसली उसको ये एक्चुअली जो चाल उसने चली थी वो काफी हद तक कामयाब नहीं हो पाई। इंडिया ने हिट बैक किया, नो डाउट अबाउट दैट। और चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है कोविड की वजह से और उसके बाद जो इंडिया ने हिट बैक किया उसकी वजह से बहुत डाउन हो गई। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड ने सोचा कि नाउ ग्लोबल सप्लाई चेन में एक चेंज लाना बहुत जरूरी है, एक अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए चाइना का, बिकॉज चाइना के ऊपर अनड्यू डिपेंडेंस उसको बहुत एरोगेंट बना रही है और वो पूरे वर्ल्ड में एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। दुनिया ये नहीं चाहती। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सेट करने की कोशिश की, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने की कोशिश की और बस इतनी देर में जो सेकेंड डिवास्टेटिंग वेव है वो इंडिया को कोविड की फॉर्म में हिट कर चुकी है। और अब इंडिया को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, पूरा सोशल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिला हुआ है। और आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे जो पड़ोसी हैं, आप पाकिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, किसी को भी आप देख लीजिए, श्रीलंका भी उसमें इंक्लूड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर कोविड का ये वायरस ना पहुंचे और इंडिया को ही ये सबसे ज्यादा हिट करे? आपको लगता है इसमें कुछ आपको गेम प्लान नजर आ रहा है? अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा। इंडिया में काफी लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं अच्छा बायोलॉजिकल वारफेयर भी कोई चीज होती है। अरे भाई ये तो हमारी कमी थी कि कोविड का म्यूटेंट हमारे यहाँ डेवलप हो गया और हम उसको कोप अप नहीं कर पाए। ये तो एक देखने का बड़ा सीधा साधा सा नजरिया है। जो लोग डिटेल में नहीं जाते, जिनको पता नहीं होता, या उनके कुछ पॉलिटिकल रीजंस या और कोई रीजंस होते हैं चीजों को एक दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में देखने के, वो ये भूल जाते हैं कि चाइना आपका एक पड़ोसी है और वो अपने आप को इंटरनेशनली असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आपने लद्दाख में जो उसकी क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से डाउन किया है, उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कोविड की फर्स्ट वेव, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर अस, अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, हमको इतना प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन साथ में इंडिया की क्रेडिबिलिटी चाइना की नजरों में एक किरकिरी बनी हुई है। अगर इंडिया एक ग्लोबल पावर के या रीजनल पावर के रूप में उभरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का होता है। इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जाती है और चाइना को ये दिखाने का मौका मिलता है अरे आप जिस मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो वो तो खुद भी अपने को संभाल नहीं पा रहा है, वो आपको क्या लुक आफ्टर करेगा? और ऐसे कंट्री को, ऐसे नेशन को आप अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में डालेंगे या सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएंगे तो ऑब्वियसली वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये चाइना का पर्पज है। लेकिन वर्ल्ड चाइना के गेम को देख रहा है, समझ रहा है। अनफॉर्चुनेटली
चाइना की इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा है आज की डेट में कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राजील के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनवाता हूं। आप थोड़ा सा उससे एस्टिमेट लगाइए कि आफ्टर ऑल दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, यूएसए के पास तो नहीं। यूएसए चाइना अफेयर्स के ऊपर बड़ा क्लोज वॉच रखता है और 2015 की एक रिपोर्ट है जो चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा तैयार की हुई और ये लीक आउट हो गई और ये समहाउ यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के पास, उनके पास जब ये पहुंची तो उन्होंने फिर असेसमेंट किया कि चाइनीज साइंटिस्ट का या चाइनीज मिलिट्री लीडरशिप का एक्चुअली माइंडसेट क्या है। तो उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू लड़ा जाएगा। अब ये रिपोर्ट एक्चुअली जो कोट हुई है ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में भी कोट हुई है और उसके अलावा यूके का जो सन न्यूज़पेपर है उन्होंने भी इसको कोट किया है। खास बात यह है कि जो कोरोना वायरस है इसके वेपनाइजेशन की भी बहुत क्लियर कट बात इस स्टडी में कही गई है। अब आप देखिए ओवरऑल अगर हम डिटेल में जाते हैं तो एक्चुअली जो पीएलए के पेपर्स हैं पीपल लिबरेशन आर्मी की वो कहते क्या हैं। ऑफ कोर्स पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जब आप बायोलॉजिकल वेपन यूज करेंगे तो एनिमी का जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने साथ में उन्होंने यूएसए के एक एयरफोर्स कर्नल माइकल जे एनकॉफ को भी कोट किया फॉर मेकिंग द प्रिडिक्शन के वर्ल्ड वॉर थ्री जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू लड़ा जाएगा। अब ये जब जो स्टडी चली और उसके अलावा चाइना का एक और भी एक्सपीरियंस था 2003 का जो सार्स का था जिसमें चाइना एक्चुअली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इंटरनल जो उनकी कुछ खबरें हैं कि वो एक्चुअली एक नॉर्मल एक इंसिडेंस था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जिसने चाइना को प्रभावित किया था। उस टाइम पे चाइना की जो हालत हुई थी जैसे उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स किया था जैसे उनकी यहाँ कैजुअलिटीज हुई थी एंड ऑफ कोर्स उनका सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने उसको जल्दी कंट्रोल कर लिया। बट वो ही आज की डेट में आप इंडिया में देखते हैं कि जब हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ हुआ है और मतलब इट इज लिटरली ओवरवेल्म्ड में चाइना के पास वो एक्सपीरियंस है कि जब बायोलॉजिकल वेपन का अटैक किसी कंट्री के ऊपर होगा तो उसका जो सिस्टम है वो कैसे कोलैप्स करेगा। दे हैव गॉट दिस प्रीवियस हिस्ट्री विद देम। ये एक्चुअली नवंबर 2002 में हुआ था और इसके ऊपर काफी चाइना ने फिर स्टडी किया रिसर्च पेपर भी लिखे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ऊपर। अभी आप देखिए बायोलॉजिकल वेपन्स का अगर आप इंटरनेशनल सिचुएशन लेते हैं तो क्या स्टेटस है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव साइंड एंड दिस हैज बीन साइंड ऑन 10 अप्रैल 1972 और ये इफेक्टिव कब से हुआ 26 मार्च 1975 से। ओके सिग्नेटरीज कितने हैं 109। चाइना भी एक्चुअली इसका सिग्नेटरी है आप कह सकते हैं मींस इट इज ऑफिशियली इट इज देयर। लेकिन इसके अलावा
16 कंट्री ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल वेपन्स जिनके पास हैं, इट इज सस्पेक्टेड दैट दे हैव गॉट, दो दे हैव साइंड द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इंडिया ने कन्वेंशन को फॉलो करते हुए कोई भी वेपन अपने पास, बायोलॉजिकल वेपन नहीं रखा, लेकिन ये जो 16 कंट्री हैं, इसमें चाइना भी शामिल है और बाकी जो मेजर पावर्स है वो भी उसमें इंक्लूड है, एंड दैट इंक्लूड्स यूएसए। इनफैक्ट इसमें इजराइल का भी नाम है कि इजराइल के पास भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। अब बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होता है कि आप उसको लॉन्च कर सकते हैं एंड इट मे बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आपने उसको एनिमी के अगेंस्ट में लॉन्च किया है, दैट इज नंबर वन। लेकिन साथ में जो डिसएडवांटेज ये है कि कभी भी इसको आप बहुत एक्यूरेटली टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन गो अक्रॉस द ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंट्री के ऊपर लॉन्च किया, पता चला कि उसके पड़ोसी भी उससे अफेक्ट हो गए, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब ऑब्वियसली सारी दुनिया ने वॉच किया है, WHO ने एक्चुअली पूरी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी वो किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, और ये ही एडवांटेज होता है बायोलॉजिकल वेपन के साथ में कि आप उसका किस टारगेट कंट्री तो आपको पता चल जाता है, लेकिन किसने टारगेट किया है ये जानना काफी हद तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने ये एंश्योर किया कि किसी को भी ना पता चले कि वुहान में जो वायरस वो लैब से एक्सीडेंटली निकला, ये डेलिबरेटली निकला। यू नो पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड, दो पीपल आर वेरी मच अवेयर कि ये वायरस चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, और लेकिन अगर आप कोई ये कहे कि चाइना में ने इसको डेलिबरेटली किया है, ये प्रूव करना अपने आप मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंडिया में लोग वॉच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सब जगह यू नो पीपल आर गेटिंग सस्पिशियस ऑफ चाइनीज इंटेंशन बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, इंडिया को बोग डाउन करने के बगैर चाइना का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो असर्ट नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि आज की डेट में इंडिया और चाइना के बीच में एक कोलोसल डिफरेंस नहीं है, वो है। चाइना ये भी कह सकता है कि एक्चुअली इंडिया चाइना का कॉम्पिटिटर नहीं है, चाइना इस पोजिशन में है आज की डेट में, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की जो इनसिक्योरिटी है और जो क्वाड का जो डेवलपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का जो चाइना का जो आज की डेट में पोजीशन है, अगर उसको इंडिया एक्वायर करना चाहे पार्शियली एट ग्लोबल लेवल, तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज इस पोजीशन में है कि वो इंडिया की हेल्प करें। अब ये ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहां जब ये सेकेंड वेव कोविड की आई तो उसके बाद आप जो देख रहे हैं यूएसए, पूरा यूरोप और जो बाकी जो कंट्री इंडिया की हेल्प कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दे डोंट वांट टू लूज इंडिया एज देयर क्वाड और अदरवाइज एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। व्हाट एग्जैक्टली चाइना कैन गेन? पहली बात, हमारी जो पूरी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो इस टाइम पे बोग डाउन है, कि किसी न किसी तरीके से ग्लोबली हम ये बात बताएं कि वी आर कैपेबल ऑफ कोपिंग अप विद दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सो कॉल्ड बायोलॉजिकल वॉरफेयर कोविड का जो हमारे कंट्री में चल रहा है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इट शुड कंटिन्यू टू कम इन, यू नो पीपल शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन अगर आप देखें ये जो बायोलॉजिकल वेपन लॉन्च हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है, इसके साथ साथ बाकी लोग भी हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया भी है वर्ल्ड ओवर, एंड दैट वर्ल्ड इंक्लूड्स यूरोप एज वेल एज यूएसए, दे आर नॉट प्रो मोदी।
मिस यू कैन सी दैट इवन टाइम मैगजीन ने जो आर्टिकल छापा था 2019 में, आप समझ सकते हैं इलेक्शन से जस्ट पहले, उसमें उसने मोदी को इंडिया डिवाइडर इन चीफ बोला था। और अभी अगर आप देखें तो टाइम मैगजीन दोबारा लेफ्ट साइड में जो मैंने आपसे टाइम का जो सुपर स्प्रेडर है, ये एक फेक न्यूज है, टाइम ने ये नहीं छापा। लेकिन ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। These projects are financed at international level with the support of our internal saboteurs. I'm sorry to say, but the fact is we have got so many of them. But nevertheless, अगर आप right side में time को देखें, जो India in crisis का है, ये किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है Naina Bekele, you know whatever is the name, but साथ में एक दूसरा आर्टिकल भी है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया स्पेशली मोदी फेल हो चुका। ये तो खैर इंडियंस का काम है ये डिसाइड करना, और हम ये इलेक्शन के थ्रू बताएंगे 2024 में कि मोदी फेल हुआ कि नहीं हुआ, बट अफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन। और ये जो सेकंड आर्टिकल है ये राणा अयूब ने लिखा है जो कि एक सर्टिफाइड मोदी बेटर है। अगर आप उस तरीके से देखें तो जो टाइम मैगजीन है, इन कॉन्सोनेंस विद ऑल द फोर्सेस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट एंड दैट इंक्लूड्स चाइना एज वेल, दे आर ऑल आउट टू मेक अफर्ट्स टू डिरेल इंडिया ग्रोथ स्टोरी सो दैट यू नो इंडिया कैन नॉट कम अप एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस और एज ए इकोनॉमिक और रीजनल सुपर पावर। अगर आप उस हिसाब से देखें तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम है ये मोदी के और इंडिया के अगेंस्ट में। बट व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज रेस्पॉन्सिबल इंडियंस? हमारा काम है कि हम पर्सनल लेवल पे ना तो कोविड से अफेक्ट हो और ना कोविड को हम दूसरों में फैलने दें। इफ वी डू दैट वी हैव सक्सीडेड इन दैट केस टू meet our objective as an Indian. Thank you so much. मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? Please like, share, subscribe.